I am the square of the number that is 68 less than the product of the LCM of 2 and 3 and the LCM of 3 and 4, what number am I? ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि मैं स्क्वायर हूं उस नंबर का जो 68 लेस देन है किससे, 2 और 3 के एलसीएम, 3 और 4 के एलसीएम के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का और फिर एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, ठीक है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे जो 68 कम आएगा उसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो नंबर हमारा आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां पे इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, किस किस का एलसीएम निकालेंगे, यहां पे 2 और 3 का, ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहां पे 2 1 3 पे, फिर ये 1, ठीक है ना, 1 पे जाएगा, तो एलसीएम आ गया इनका, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसका तो 6 आ गया। अभी इसका निकाल लेते हैं 3 और 4 का, ठीक है, तो 2 से करें 3 का 3 2, फिर 2 से करें 3 का 3 1, फिर 3 से करें ये 1 1, दोनों ही 1 1 आ गए, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 दिया 12, इसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये 12 और ये इसका आया 6, तो 12 के 72। इसने क्या बोला था यहाँ पे कि 68 लेस देन होगा किससे, इन दोनों के प्रोडक्ट से, तो 72 में से माइनस कर लेते हैं 68, तो ये आ गया 4, और ये बोला था कि जो इससे लेस देन आएगा 68 उसका स्क्वायर होगा, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये होगा 16, तो वो नंबर 16 होगा।